ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो 5 लाख व्यूज क्रॉस किया है, अगर आप देख सकते हैं तो हम आज उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं विद अ ग्रैंड केक एंड द टॉप ऑफ इट उसमें लिखा है 5K व्यूज क्रॉस। जल्दी ये 1 मिलियन हो और हम 1 मिलियन का भी केक काटेंगे और सारा श्रेय जाता है हमारे फैंस को, हमारी जनता को जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया है। और ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर, बट फिल्म आने वाली है भोजपुरी सिनेमा पर जो हमारा सैटेलाइट चैनल है। तो जल्द ही हम आपको ये भी न्यूज़ देंगे कि फिल्म रिलीज़ होने वाली है और देखते रहिए जल्दी जल्द, और गाने भी रिलीज़ होंगे। ढेर सारा सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। रवि जी और श्रेशा जी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म लव कनेक्शन का यूट्यूब पे जो ट्रेलर आया है उसको 5 लाख से ज्यादा व्यूज लोगों ने दे दिया है, दर्शक प्यार दे रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों से जानना चाहूंगी मैं। खुशी तो बहुत हो रही है मैडम, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट फिल्म है और 3 दिन के अंदर 5 लाख क्रॉस किया है व्यू ट्रेलर का, तो हमको बहुत खुशी है। और अभी शायद 6 लाख होने वाला है, तो खुशी तो हमको बहुत है। अभी मैडम कितनी खुशी है अभी बताएंगी। मेरी भी पहली फिल्म है भोजपुरी सिनेमा में, सो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं, जैसे व्यूज आ रहे हैं वैसे सोचे नहीं थे, और 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं एंड 3-4 डेज के अंदर। सो होप कर रहे हैं शायद और भी व्यूज आएंगे। सो आज खुशी का दिन ज़्यादा इसलिए कि ये 5 लाख जो व्यूज़ हुए हैं इसकी खुशी एक अलग है। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भोजपुरी नहीं तो मुझे तो ये हिंदी फिल्म लग रही है। और आप भी शायद देखे होंगे ट्रेलर जी, तो जी। आपको भी लगा होगा ऐसा ही। और काफ़ी कमाल की फिल्म बनी हुई है, हमने बहुत मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया है। टीम में जैसे हमारे रमेश द्विवेदी जी हैं, वो हमारे बाप का किरदार फादर का किरदार निभाए हैं, एंड सोनिया मिश्रा जी हैं माँ का किरदार निभाई हैं, लोटा तिवारी जी हैं वो खूब हंसी मजाक किए हैं हमारे साथ सेट पे भी सेट के बाहर भी। तो इसमें बहुत आपको मतलब हर एक चीज़ का तड़का मिलेगा, लव रोमांस एंड इमोशनल भी पिक्चर बहुत अच्छी है। और एक हमारे सेकंड लीड जो हैं राकेश बाबू जी हैं, उन्होंने भी अच्छा किरदार निभाया। और हमारी श्लेषा जी का तो पूछिए नहीं, श्लेषा जी ने तो बहुत अच्छा अभिनय किया है इसमें। रिएक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, और एक होता है ना रातों रात किसी की ज़िंदगी बदलना, मेरे साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। और जिस चैनल पे ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो अपने आप में ही बहुत नामी है, उनका काफ़ी नाम है एंटरटेन रंगीला, जिसके चैनल पे हमारा ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। और सब यही बोल रहे हैं कि जब फिल्म देख रहे हैं तो एक ऐसा फ्रेम ओपन हो रहा है कि जिसे देख के लग रहा है कि पूरा बॉलीवुड टच है, लेकिन हमने भोजपुरी सिनेमा को वैसा बनाया है। तो मुझे भी तो बहुत खुशी हो रही है, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, भी मुझे फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन चाहिए जब सेम व्यूज़ और सेम रिव्यू उस पर भी आए। तो हमारी फर्स्ट फिल्म है रिलीज के, ये 5 लाख हुआ 3 दिन में, हमको बहुत खुशी मिली। तो हम चाहते हैं कि ये 1 मिलियन जल्दी क्रॉस करे और हम वापस आपसे मिले और हम वापस चर्चा करें। और आज मज़े की बात एक है कि हम लोग आज केक काटने वाले हैं 5 मिलियन होने की खुशी, सॉरी 5 लाख होने की खुशी में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो आप लड़खड़ा रहे हैं 5 मिलियन हो तो जल्द पूरा हो, 5 मिलियन का हमारा ट्रेलर हो, ये खुशी है। ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है कि 5 मिलियन जरूर, दर्शक इतना प्यार देंगे हमको भी 5 मिलियन हो जाएगा जी। शेषा गाने के बारे में जानना चाहूंगी, कितने मधुर गाने हैं, कितने प्यारे गाने हैं। अभी कल ही हमारा गाना रिलीज हुआ है 24th को, 23rd को हमारा गाना रिलीज हुआ है पहले इश्क मोहब्बत प्यार। ओ गाना तो सच में बहुत ही मधुर और बहुत स्वीट गाना है और लव से रिलेटेड है पूरा। तो जब पहला गाना रिलीज़ हुआ है, थैंक गॉड ये गाना रिलीज़ हुआ है, इससे आप बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे। फिल्म का ये सबसे प्यारा गाना है और मैं पर्सनली इस गाने से बहुत अटैच हूँ, क्योंकि ये गाना पूरा बनारस में एक ऐसे लोकेशन पे शूट हुआ है जहाँ से नदी के उस पार और इस पार दोनों कहानियाँ एक ही नाव पर शुरू होती हैं, उसी नाव पर ही अंत होती है। फिल्म सैटेलाइट पर अगर आएगी तो कब आएगी और किस चैनल से आएगी? सैटेलाइट पर तो भोजपुरी सिनेमा पर आएगा, तो भोजपुरी सिनेमा पे अभी हमको डेट नहीं मिला है चैनल की तरफ से, मे बी होना चाहिए 1 मंथ के अंदर ही रिलीज होना चाहिए और रिलीज होगी। उसको भी प्यार और आशीर्वाद जितना ये ट्रेलर को मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, मुझे तो यही उम्मीद है कि दर्शक हमको प्यार कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे कि हम जल्द उनके लिए नया कुछ लेके आएँ।